शहर के सुदामा नगर के रहवासियों ने हवा बंगाल झोन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में फैली गंदगी व सड़क की बिजली की समस्या से क्षेत्रवासी परेशान है। यही वजह रही कि क्षेत्र की पार्षद लक्ष्मी हेमंत का पुतला भी जलाया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जल्द समस्या का निराकरण नहीं होने पर झोन पर अधिकारियों को झोन में बंद कर ताला लगा दिया जाएगा। आपको ये सारी समस्या आ रही है और कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? ये वार्ड क्रमांक जो है 82 है और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 है, जिसकी निष्क्रिय पार्षद हमारे यहाँ पर जो है लक्ष्मी हेमंत है, जिसको कई बार हमारे सुदामा नगर जो रहवासी संघ के लोग निवासी लोग कई बार जाके आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई हमारे यहाँ पर जो है ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज का पानी हमारे घरों में आ रहा है, लोगों का मल मूत्र हमारे घरों में भरा रहा है। बाकी उन्होंने हमेशा हमारी समस्या को नज़रअंदाज किया, जिससे आक्रोशित होकर आज समस्त ई सेक्टर के सुदामा नगर के निवासी यहाँ पर जोन कार्यालय पर जो है हवा बंगला जोन पर प्रदर्शन करने आए और जेडो साहब को ज्ञापन दिया तथा पार्षद लक्ष्मी हेमंत का पुतला भी जलाया गया है। और हमारी हमने मांग की है कि 24 घंटे के अंदर यदि आज तत्काल और अभी हाल ही यदि अगर ड्रेनेज समस्या का हल नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे, इस जोनल कार्यालय पर हम ताला लगाएंगे। अभी क्या आश्वासन दिया है? अभी तत्काल में वो तत्काल रिपेयर कर रहे हैं, बाकी स्थायी निराकरण नहीं हो रहा है। तत्काल रिपेयर तो कभी वर्षों से हम फोन लगाते हैं, हमारे यहाँ के लोग या आवेदन देते हैं तो आज हो जाता है और परसों वापस ड्रेनेज समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगले दिन तो फाइल मंजूर नहीं हुई, ऐसा भी कहना पड़ता है इन लोगों का। तो भाई सुदामा नगर के जो रहवासी है सब अच्छे परिवार से संपन्न लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, सभी कामकाजी लोग हैं। आज वे सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर निवेदन आग्रह करने आए और अपना आक्रोश व्यक्त करने आए। यदि 24 घंटे के अंदर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो यही रहवासी जो संघ है नगर निगम का घेराव करेगा, महापौर कार्यालय का घेराव करेगा, इस जोन कार्यालय पर हम जो है ताला जड़ देंगे। अपना नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।